देखने वाले सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है और मैं हूं अंकुश शर्मा। इस समय यहाँ मौजूद है इंजीनियरिंग ऑफिस के बाद पीएचई डेलीविजर के मुलाजिम जो है वो पिछले 461 दिन से यानी कि 461 डे से SRO 64 की मांग कर रहे हैं और प्रशासन के खिलाफ जो है वो प्रदर्शन किए जा रहे हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं। सर, 4 तारीख को एक जनसैलाब फिर पीएचई के डेलीविजर का देखने को मिलेगा, सर इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? बड़ा बड़ा शुक्रिया आपका। देखिए, जन सैलाब लाने का हमें शौक नहीं है, ये गवर्नमेंट की जो नलायकी है जिसके कारण हमें आज 461 दिन के बाद दोबारा से एक बार सड़कों के ऊपर उतरना पड़ेगा, जिसके कारण कोई भी सड़क जाम हो सकती है, कोई भी स्टेशन बंद हो सकता है। उसके लिए हम जम्मू की जनता से हम खेद चाहते हैं। सर, मैं आपसे एक बात और जानना चाहता था कि जितनी बार भी पीएचई के डेलीविजर सड़कों पर उतरे हैं, सड़कों पर प्रदर्शन तो देखने को मिला है और पर सड़कों पर भारी जाम भी जो है वो लग जाता है। प्रशासन कहीं ना कहीं, आप प्रशासन से गुहार लगाए जा रहे हैं और 461 दिन यानी कि 461 डेज कोई छोटा समय नहीं है। इतने दिनों से आप प्रशासन आपको लगातार अनसुना किया जा रहा है। एक दिन आपने गुहार लगाई, एक हफ्ता गुहार लगाई, एक महीना लगाई, एक साल लगाई, अब 1.5 साल होने को आया और प्रशासन जो है वो अभी भी आपको अनसुना कर रहा है। अगर प्रशासन इसके बाद यानी कि 4 तारीख के जनसैलाब के बाद भी प्रशासन आपको अनसुना करेगा तो सर आपका अगला कदम क्या रहेगा? देखिए, हमारा जो कोशिश है वो निरंतर जारी है। हमने पहले भी सरकार से एक ही बात बोली थी कि आपके पास 2 ऑप्शन है, अगर तो आपने रखना है तो हमें तरीके से रखिए, जिसका एक है कि एक प्रावधान बना था SRO 64 के तहत कि 7 साल के बाद डेलीवेजर को पक्का किया जाता था। उसके बाद इन्होंने SRO 64 को हटा दिया, उसके बाद 520 लाया, 520 में इन्होंने कुछ डिपार्टमेंट में मुलाजिम को पक्का किया, उसके बाद जैसे ही यहाँ पे ये यूटी बनी तो उसके बाद उसको भी बंद कर दिया गया। ये तो मजाक बना दिया ना। एक डेली वेजर जो है आज भी 9,000 के ऊपर, आप मुझे बताइए कि आज इस महंगाई के जमाने पे वो कैसे गुजारा करेगा? तो वही 9,000 को लेके हम एक प्रदर्शन यही कर रहे हैं कि हमारे जो सरकार है ये हमारी बात क्यों नहीं सुन रही है। अगर ने यूटी को तोड़ के अगर आपने लद्दाख को अलग किया, आज आप लद्दाख का रेट पूछ लिए, वहां पे डेली वेजर को स्किल्ड अनस्किल्ड और उनको कैटेगरीज वाइज वहां पे उनको दी जा रही है। और यहां पे हमारे जो डेली चाहे वो लेबर का काम कर रहा है, चाहे वो मोटर चला रहा है, चाहे वो करता है, चाहे वो टाइपिस्ट है, चाहे वो कंप्यूटर के ऊपर बैठा हुआ है, उसको भी डेली वेजर का वही 311 रेट दिया जा रहा है। फिर ये बोलते हैं कौन से आइए सबसे यहाँ पे बैठे हुए हैं, मुझे बताइए, अगर एक कानून का कंप्यूटर के ऊपर कंप्यूटर की तनख्वाह दी जाए, अगर एक लेबर का काम कर रहा है उसको लेबर की तनख्वाह दी जाए, अगर एक मोटर चला रहा है उसको मोटरमैन का हक दिया जाए। 20-25 साल हो गए आज परमानेंट एम्प्लॉई बताइए मुझे यहाँ पे 20 परमानेंट एम्प्लॉई रहा है। आप इंजीनियर में ले लीजिए जो 5 साल, चाहे वो मैकेनिकल में ले लीजिए जो मोटर चला रहा है, चाहे वो सिविल में ले लीजिए जो पाइपें बिछा रहे हैं, जो पानी लोगों को पिला रहे हैं, तो उनको एक ही रेट दिया जा रहा है। मुझे तो बताइए ये कहां की कहां का इंसाफ है। डेली वेजर आज वही डेली वेजर रहा जो आज से 20 साल पहले था, और आज जो ये कहते हैं कि यूटी बनने के बाद यहां पे बहुत बड़ा विकास किया जाएगा, विकासपुर के नाम पे इन्होंने LG मनोज सिन्हा जी को यहां पे दिया, तो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब कहते हैं कि ये बहुत बड़े IAS अफसर है, ये कभी गलत काम नहीं करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप गलत काम नहीं करते हो तो ये आप सेक्रेटरेट से अलॉटमेंट क्यों करते हो डेली वेजरों की? अगर आप बोलते हो कि बैक डोर एंट्रीज है, टेररी से इनको पैसा इनके अकाउंट में क्यों डाला जाता है, इनकी बायोमेट्रिक क्यों लगाई जाती है, इसका जवाब कौन देगा? अगर ये IAS मैं क्वेश्चन करता हूँ सेक्रेटरी साहब, एक तरफ तो इनको बैक डोर एंट्रीज बोलते हो और दूसरी तरफ से हो, अगर हिम्मत है आज ही लेटर निकालिए, सब फिर देखते हैं ये डंड कैसे चलता है। ये डिपार्टमेंट आप होगी इसको चाहिए, जितने बचाने हैं बचाइए, जल निशान पे जितना घोटाला करना कीजिए, लेकिन डेली वेजरों को पसंद नहीं है और ना ही वो कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। सर जी, तो मैं कह रहा हूँ, छत्तीस साल जी आप बहुत बड़ी चेयर हो,
आईएएस के सबसे आपको जो ऐसे गलत शब्द उपयोग करना अच्छा नहीं लगता है। हमारे जो इधर भाजपा के लीडर हैं, हमें इनके ऊपर पूरा भरोसा है, जो करवा के रहेंगे। सरकारी मुलाजिम है, रविंदर रैना जी खुद कहते हैं जी, सरकारी मुलाजिम है, बायोमेट्रिक लगती। बाकी गौर अपने एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी अपील भी है और वार्निंग भी है, 4 तारीख को इधर बहुत बड़ा आंदोलन होगा। मेरा जहां जहां पे बैठा, मेरी उन आगे हाथ जोड़ के अपील है साथियों, दिखानी है चीफ सेक्रेटरी अरुण मेहता को कि हम बैकडोर एंट्री है या फ्रंट एंट्री है, जिस दिल्ली की बिजली के पास किराया नहीं है। मैं हर दिल्ली बिजली को अपील करता हूं कि एक दूसरे का सहारा बनना है, 4 तारीख को पूरी ताकत दिखानी है। इसकी जो भी इधर प्रॉब्लम होगी, पुल बंद होंगे, सड़कें जाम होंगी, इसकी सारी जिम्मेदारी चीफ सेक्रेटरी अरुण मेहता की होगी और गवर्नर की होगी। हमारा 9000 से हमारा गुजारा नहीं होता है। स्मार्ट मीटर ले लो, प्रॉपर्टी टैक्स लो, नो है, हम क्या करेंगे बताइए? बच्चे पालेंगे जहाँ अपने को देंगे? सर महंगाई जहाँ दर बदर बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है। एक जगह स्मार्ट मीटर आ चुकी है, प्रॉपर्टी टैक्स आ गया, और इन सब के बाद आपको जो वेतन दिया जा रहा है वो 9000 दिया जा रहा है। इसमें एक परिवार जो है, परिवार का पालन पोषण करना जो है वो संभव नहीं है। कहीं ना कहीं बच्चों की स्कूल की फीस भरनी पड़ी है, कहीं ना कहीं परिवार के और भी खर्चे रहे हैं। मैं आपसे ही बात जानना चाहता था कि 9000 जो है वो बहुत ही छोटी चीज है। उसके बाद जो है वो 4 तारीख को फिर एक बार जन सैलाब जो है, यानी कि पीएचई के डेली विजिटर्स का एक बार जन सैलाब जो है वो सड़कों पर उतरेगा। अगर प्रशासन आपको अनसुना करेगा, क्या आपका प्रश्न उग्र जो है वो लेगा सर? बिल्कुल रहेगा जी। देखिए जी, जैसे एक्स एमएलए ले लो, कोई भी ले लो, कार्पेंटर ले लो, इनकी पे बढ़ जाता है। इनका जो भी कोई प्रॉब्लम होती है, जो एक दिन बात रखते हैं, इनको सब कुछ मिलता है। जो डेली वेजर 90% डेली वेजर है, 90% डेली वेजर है, 100% में 90% 90 बंदा जो डेली 10 लाख परमानेंट है, डेली जरिए काम चला है। हम सेक्रेटरी साहब को कहना चाहते हैं, आप कहते हो कि हम बैकडोर एंट्री है, ठीक है, आज ही हमारा लेटर निकालो, हमारे तो पैसा जब 15-25 हो गए हैं, हमें हमारा पैसा दिया जाए, हम चुपके से अपने घर चल जाएंगे। जब हम आपको मिलते हैं कि हम कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, हमें कोई शोक नहीं है। 461 दिन हो गए आज हमें इधर बैठे। जितना भी जो बाहर जो डेली वेजर देखते हैं कि जो अमित शाह जी की रैली हुई, रैली के अंदर घुसना था, बकर दगर मचानी चाहिए थी। साथियों, आप कहते थे ना कि धरना नहीं उठाना चाहिए था, आज हमें 461 दिन हो गए इधर बैठे। जो घर में बैठ के बातें करते हैं, कमेंट करते हैं, खासकर मैं उनको कहना चाहता हूँ, आज आप कहाँ पे सोए हो? और शर्म आनी चाहिए आपको, आगे पे बैठ के कमेंट कर रहे हो, बाहर निकलो। 4 तारीख को हाथ जोड़ के कहता हूँ, 4 तारीख को ताकत दिखानी है, दिखाइए। जो चीफ सेक्रेटरी अरुण मेहता और गवर्नर साहब जो बैठे हैं, इनको पता चलना चाहिए कि डेली वेजर क्या है। अगर साथियों ऐसा ही चलेगा तो फिर समझ लो कि फिर ऐसे ही चलेगा, फिर 9000 में ही फिर गुजारना चाहिए। हमें रेगुलाइज किया जाए, हमें दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका करने के लिए। सर मैं आपसे एक बात जानना था, जल शक्ति के साथ जोड़ा जा रहा है, एम्प्लॉयज जो है वो जल शक्ति लोगों को पानी पिलाने के करते हैं, सब सियासत चक्की में पीछे नहीं जो वोट से बार बार वोटर कमेटी जो है, कई 60-65 हज़ार एम्प्लॉयज और इनकी फैमिली को मिलाया वोटर बनता है, और सियासत चक्की में पीएचई के डेली विजिटर जो है वो पिस रहे हैं। ठीक है, हाँ, आपने अभी जो ये इन्होंने एक अटेंड बनाया है, जब वो पिछली सरकार रही उन्होंने भी यही रखा था कि जब इलेक्शन आएगी तो इनको थोड़ा लाली पप देंगे, उस तरीके से मान जाएंगे तो फिर मतदान निकालेंगे। इस तरह 14 में जब रैली में भी कहा गया था, जहाँ हर कॉन्स्टिट्यूंसी में वापस जाकर डेली बिल की बात की जाती और दूसरी बात 370 की बात की जाती, 370 उन्होंने 35 तोड़ दिया, तो जो डेली बिल फिर उसी मोड पे लाया है। 4 बार हमने वोट दिए हैं बीजेपी को, एमपी जिताए हैं, चेयरमैन जिताए हैं, मतलब के जिताए हैं। डेली वीरों ने एक प्रण लिया है कि अब वो झांसे में नहीं आएंगे। 9 तारीख की पीएचई यूनाइटेड फ्रंट ने ओथ लिया, आज का प्रोग्राम आर्सपुरा में चल रहा है, कल सांबा में होगा, इसी हर डिस्ट्रिक्ट और हर वार्ड में ये प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। तब तक जब तक हमें रेगुलर नहीं करेंगे, तब तक ये प्रोग्राम चलते रहेंगे, और आपके मीडियम के चैनल से हम ये बात सभी तमाम डेली वेजर को, जो पीएचई के यूनाइटेड फ्रंट के साथ है, उनको ये कह देते हैं कि 20 रोड 4 तारीख को सभी के सभी किसी से उधार कराया लेकर कोई भी किसी के से जम्मू पहुंचे और गवर्नमेंट को ये बता दें कि
यूनाइटेड फ्रंट फिर एक बार सड़कों पे होगा और अपनी उसी तरह जिस तरह कोंपड़ी बंद किया था, मतलबी पुल बंद किया था, उसी ललकार में फिर आएगा। अगर वहां कोई लाइन रिकॉर्ड होती है तो एलजी प्रशासन जिम्मेदार होगा, क्योंकि 466 दिन से हम लगातार मीडिया के जितने भी बंधु हमारे जम्मू के हैं सभी हमारे साथ, हम सभी मीडिया के थ्रू एलजी साहब को ये बता रहे हैं कि हमें मतलब इस वक्त इतनी तंगी है कि हम अपने बच्चों को गुजारा नहीं कर सकते। 350 के लगभग हमारा साथी जो सुसाइड कर गया आर्थिक तंगी से, जिसने किसी खा लिया, जब बीमारी की हालत से 350 के लगभग साथी हमारा, एक साथी अभी थोड़े दिन पहले मतलब डिप्रेशन की वजह से इसी तरह हमारा हर दिन मतलब रास्ता दिखा देता है, ना ही उस बाजार में जाते वक्त बत्तर महीने का भाया दिया जाए, ना ही गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसी बनाई। हम बाहर का काम कर रहे हैं, जैसे परमानेंट 35-40 हजार रुपया तनखे ले रहा है, जाते वक्त खुशी हरियाली वो घर को जाता है और डेली वेयर जाते डेथ हो जाती है उसकी, जहां रोता हुआ घर को जाता है। अपने जो पुरुषों की जगह है, अपने बुजुर्गों की जगह है, उसको बेचकर अपनी बच्ची शादी कर रहा है। गवर्नमेंट को इस चीज का वो होना है और बयान पे बयान दिए जाते हैं, जैसे कि ये बैकडोर एंट्री है, इनको लगाने वाला कौन है, इनकी वो अपॉइंटमेंट कब हुई थी, ये होती, ये सिर्फ हमारे से बंधुआ मजदूरी करवाना चाहते हैं और हमारे बच्चों को दर्द दिलवाना चाहते हैं। ये लोग, इन्होंने गरीबी नहीं दिखी, जो गरीबी दिखी होती तो आज बयानबाजी ना करनी पड़ती। हम के एस अफसर को इतने पढ़े लिखे लोग हैं, मगर कम से कम गरीब लोग जो आज 460 दिन से आज दबदब होकर आ रहे हैं, बरसात में धूप में डेली बीएचसी का जो 80% है वही इस डिपार्टमेंट को चला रहा है। हम पिछले जब एजुकेशन शुरू की थी तब से हम एलजी साहब को ये कह रहे हैं कि हमें नहीं रखना है तो हमें हमारा बकाया दे दो, हमारे 25-30 साल लगाए हैं उनको कुछ दे दो, आपके डिपार्टमेंट आप मारे आप चलाएं, कम से कम हम कहीं रेडी फेडी लगाकर इस बंधु मजदूरी से तो बाहर निकले, कम से कम अपने बच्चों को ये तो बता दें कि हमें पता नहीं गवर्नमेंट ऐसी थी वो गवर्नमेंट ऐसी थी, कम से कम इस बात का तो हम ले लें। हमारा हर साथी आज इतना परेशान है और इतनी बुरी हालत है कि आप हम हमको जिगर नहीं कर सकते कि कब बहुत से साथी हमारे जाते हैं आते हैं या बुबेरे रोते हैं यार कब हो गए परमानेंट कब होंगे, आज लोगों के पास किराया नहीं है मतलब रहने के लिए, मतलब इतनी महंगाई का जमाना है। मैं जी साहब को कहता हूँ कि हमें 4 तारीख से पहले पहले जल्द से जल्द हमारा निकालने की पॉलिसी का, नहीं तो ये फिर शर्ट को भी होगा। जय हिंद जय भारत। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो इस समय हम बात कर रहे हैं पीएचई के डिलीवरी से, जो 64 दिन से एसआरओ 64 की और अपने पेंडिंग वेजेस की मांग कर रहे हैं। 4 दिसंबर को एक बार फिर आपको पीएचई के डेली वेजेस का जन सैलाब जो है वो सड़कों पर दिख सकता है, माफ कीजिएगा, 4 अक्टूबर को पीएचई के डेली वेजेस का फिर एक बार आपको जन सैलाब जो है वो सड़कों पर दिख सकता है।